हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल एक्सप्लोर मोर विद रॉनी। होप करता हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होगे और मेरी वीडियो देख रहे होगे। नए दिन की शुरुआत कर रहे हैं। मैक्लोडगंज में अभी मैं हूँ। अभी तो मेरा हॉस्टल पीछे आप देख सकते हो, मुस्टैश हॉस्टल है जहाँ पर मैं रुका हूँ, और वहाँ पर ही मेरे को ये दो दोस्त मिले। कल रात को हमने कॉमन एरिया में रात के 1 बजे तक बैठे रहे, बातें चलती रहे, गिटार बजाते रहे और गिटार प्ले किया। वहाँ पर बहुत ज़्यादा इन्जॉय करा हमने रात को 1 बजे तक बैठ के, और बहुत सी बातें हो गई और हमारा प्लान डिसाइड हो गया जी मैक्लोडगंज और धर्मशाला एक साथ घूमने का। फिलहाल हम जा रहे धर्मशाला घूमने के लिए, और धर्मशाला घूमेंगे। और भाई आए कहाँ से? करनाल से। दोनों भाई आए हुए हैं करनाल से। और कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस भाई? सेक्सी। अब हॉस्टल की वजह से और और आपका चार चांद लगा दिए सर जी ने, रोनी भाई ने। अरे क्या बात है कि इनके जो सजेशंस होते हैं, इनके जो ब्लॉग्स होते हैं, ऑनेस्ट जेन्युइन, और पर्सन भी ऑनेस्ट और जेन्युइन है। आप आइए और ब्लॉग जरूर देखिए। तो जी ये हमारी गाड़ी है, यहाँ पे हम जा रहे हैं पवन जी के साथ। पवन जी क्या हालचाल आपके? चलो आप घुमाओगे आज पूरा धर्मशाला, तो कहाँ कहाँ पर आप लेके जाओगे आज? क्यूटो मोनेस्ट्री हो गई, क्रिकेट स्टेडियम हो गया, नॉर्बुलिंगा। तो आप बताते भी रहोगे साथ में कि कहाँ पे हमें जाना चाहिए और उसकी हिस्ट्री क्या है। बिल्कुल। तो जी टाइम वेस्ट नहीं करते, तो हम चलते हैं जी धर्मशाला के लिए। वैसे मैक्लोडगंज भी घूमने का था, पर करीबन अभी 11:30 बजे का टाइम हो गया, तो मैक्लोडगंज तो अभी कल भी घूम सकते हैं, पर भाई जा रहे हैं वापस करनाल के लिए, तो इनके पास 6 बजे तक का टाइम है। जितना ये घूम सकते हैं तो वो घूमेंगे, बाकी मैं बस लेकर वापस आ जाऊँगा 6-7 बजे तक, बाकी जहाँ पे मेरा हॉस्टल है अभी। और पर आज पूरा दिन हमने घूमना सिर्फ धर्मशाला, और कौन कौन सी लोकेशन पर आपको जाना चाहिए वो मैं आपको सजेस्ट करूँगा, और पूरा घूमते आज धर्मशाला को। यहाँ पे भी पैराग्लाइडिंग होती है? कहाँ पर? इंद्रनाथ टेम्पल। अच्छा, पहले तो नहीं होती थी शायद? नहीं होती है, काफ़ी टाइम हो गया, पहले बहुत पहले थे, 3-4 साल हो गए। हाँ 3-4 साल से, क्योंकि मैं करीबन 5 साल पहले आया था, तब तो कोई यहाँ पे पैराग्लाइडिंग थी नहीं। तो भैया अभी कहाँ पर आए हम? अभी हम लोग, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है आज का, और ये गंजर महादेव टेंपल है, रिवर पॉइंट, और ये पांडव के टाइम का बना हुआ है, ऐसी मान्यता है। तो अभी इसी के लिए स्टार्ट करेंगे आप, तो आप विजिट करेंगे और चलो करें। चलते हैं जी अंदर गंजर महादेव टेंपल। ये भगवान की बातें हैं ना, इसका तो कोई पूरी तरह व्याख्यान तो नहीं कर सकता। उसकी जितनी भी माया है परम मतलब, तो लेकिन इसके इस मंदिर के 3 पॉइंट मेन है। 3 पॉइंट कौन? पहला पॉइंट अगंजर महादेव। इसको अगंजर महादेव क्यों कहते हैं? अगंजर महादेव संस्कृत वर्ड है, पापों को नाश करने वाले शिव जी। इस मंदिर में आने से पापों का नाश होता है, जैसे चिंतपूर्णी जाने से चिंता दूर होती है, चमंडा जाने से दुश्मनों का नाश होता है, यहाँ आने से पापों का नाश होता है। पहला पॉइंट गंजर महादेव, इसलिए इसको कहा जाता है। और दूसरी बात, नीचे गुफा है, दूसरा पॉइंट, वो महाभारत के टाइम की है, वो नेचुरली है। वहाँ शिवलिंग जो हैं वो अपने आप प्रकट हुए हैं, शिवलिंग किसी ने प्रतिष्ठा नहीं की है। तो वो महाभारत के टाइम की गुफा है, और जब महाभारत का युद्ध होने लगा था तो कृष्ण भगवान ने अर्जुन को बोला कि इस युद्ध को जीतने के लिए पाशुपात अस्त्र चाहिए जो शिव जी के पास है, आप शिव जी को तपस्या करो शिव जी की, और उनको प्रसन्न करो, तो वो पाशुपात अस्त्र ले लो। तब अर्जुन ने अज्ञातवास में इस गुफा के अंदर 1 साल तपस्या की थी,
और शिव जी ने प्रसन्न होकर उनको दर्शन दिए थे, पाशुपात अस्त्र दिया था, विजय प्राप्ति का वरदान दिया। तो है तो वो गुफा इसी मंदिर के साथ अटैच है, बंजर महादेव के साथ, लेकिन उसका डिपार्टमेंट अलग है। उस गुफा के साथ दरिया चल रहा है जल, तो हम हिंदू लोग उसको जल देवता भी कहते हैं, वरुण देवता भी कहते हैं, मुसलमान लोग ख्वाजा पीर कहते हैं। तो अगर वो देवता अगर गुफा वाला किसी पर प्रसन्न हो जाए तो उसके घर में कलह-क्लेश नहीं होती, जितने भी मेंबर हैं आपस में प्रेम पूर्वक रहेंगे। अच्छा, हाँ, ये वहाँ पे कहाँ पे है गुफा? ये इधर आगे किनारे सामने, तो यहाँ से रास्ता नहीं है वो जाने का? है, यहाँ जाते हैं। ठीक है, तो अननेसेसरी मनी वेस्ट, जैसे मुकदमा लग जाता है, बीमारी लग जाती है, पैसा वेस्ट जाता है, वो नहीं होगा इस नीचे वाले देवता के प्रसन्न होने से। तो ये दो पॉइंट आ गए, तीसरा पॉइंट दूने का है। तो आज से 500-600 साल पहले जब पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह का राज था, तो उनको कोई ऐसी बीमारी थी लाइलाज, यानी कि उसका इलाज नहीं हो सकता, वो जहां मत्था टेकने आए। उस वक़्त इस मंदिर के इंचार्ज जो थे बाबा गंगा भारती, उन्होंने ये दूना स्टार्ट किया था। इसको अखंड दूना कहते हैं, अखंड का मतलब 24 घंटे इसमें आग रहनी चाहिए, चाहे थोड़ी रहे ज़्यादा रहे, लेकिन होनी चाहिए। तो जब महाराजा रणजीत सिंह जहां मत्था टेकने आए, तो बाबा गंगा भारती जी ने उनको 3 चुल्ली पानी दिया, उनकी बीमारी ख़त्म हो गई। उन्होंने प्रसन्न होकर अपना कीमती दोसाला उनके आगे भेंट किया, हीरे जवाहरात से जड़ा हुआ था। तब बाबा गंगा भारती जी ने बिना देखे सुने वो दोसाला जलते दूने में डाल दिया। तब महाराजा रणजीत सिंह से रहा नहीं गया, उन्होंने कहा बाबा जी ये बहुत कीमती था, आपने बिना देखे दूने में डाल दिया। तब बाबा गंगा भारती जी ने दूने में चिमटा मारा, ऐसे कई दोसाले निकाल दिए। तो उन्होंने कहा तू अपना कीमती दोसाला पहचान कर ले जा। तब महाराजा रंजीत सिंह उनके पैरों पड़ा था, और मंदिर के नाम 600 करनाल जगह, ये जो सारा जंगल है ये मंदिर का ही, 600 करनाल जगह मंदिर के नाम दी थी गंजर महादेव के नाम। क्यों दी थी? कि 24 घंटे दूना जलाने के लिए लकड़ की जरूरत होगी होगी, आज भी उसी जंगल की बदौलत ये दूना जल रहा है। तो क्या हुआ कि ये बात फैलते फैलते फैल गई लोगों में, सभी में ये बात फैल गई कि बाबा चमत्कार करते हैं, बाबा गंगा भारती, उन्होंने कई दूने दोसाले निकाल दिए। तब सारी पब्लिक उनके पीछे पड़ गई, तो उनको मजबूर होकर जिंदा जी समाधि लेनी पड़ी। ये हाँ, ये बड़ी ये हनुमान की मूर्ति दरवाज़ा होता था, आगे सुरंग थी, वो वहाँ से जिंदा ही गए थे आज तक गए। तो सारांश इसका ये है कि इस बबूती, इस दूने की राख जो है जिसको हम बबूती कहते हैं, सुबह उठकर खाली पेट थोड़ी सी चाटने से, माथे में लगाने से 100 बीमारी दूर होती है। एक बीमारी दूर नहीं होती, वो है वहम, वहम का इलाज नहीं होता। तो इस गंजर महादेव के, वैसे तो इसकी व्याख्या तो ख़त्म होती ही नहीं है, भगवान की व्याख्या कौन कर ख़त्म कर सकता है, उनके गुणों का व्याख्यान कौन कर सकता है। तो लेकिन सीमित रूप से ये मतलब कि पूरी रामायण और गंजर महादेव की ये 3 पॉइंटों में आते हैं। तो इसको गंजर महादेव, तो आप यहाँ कब से सेवा करते हैं? हमें तो हो गया 30-35 साल। बस आप यहाँ का एक मतलब अच्छा लगता है यहाँ पर? ये कोई पिछले अगले जन्मों का कोई संबंध होता होगा, वो भी आदमी खुद कुछ नहीं करता, लेकिन भगवान की कृपा, भगवान की तभी कर, भगवान की तो विशेष ही कृपा है जो आप इतनी अच्छी जगह रहते हैं। ये बात मानने वाली इतनी है। अच्छा। तो जी मंदिर में अभी आए हुए थे, बहुत ही पीसफुल वाइब थी मंदिर के अंदर, और यहाँ पे आना बनता है। और वैसे भी इतना पुराना मंदिर है, कहा जाता है कि ये पांडवों के टाइम पे मंदिर बनाया गया था,
और पांडव यहाँ पर आए थे, तो बहुत ही पुराना प्राचीन मंदिर है, तो यहाँ पर आना बनता भी है और माथा टेका, आशीर्वाद लिया। और यहाँ पर पास में रिवर थी, तो रिवर के किनारे अभी जाएंगे, वहाँ पे थोड़ी देर बैठेंगे और रिलैक्स करते हैं। बहुत ही सुंदर नज़ारा देखने को मिल रहा है, मंदिर के बिल्कुल बैक साइड पर ही यही रिवर बहती है, जो कि यहाँ पर बहुत सारे श्रद्धालु आए हुए हैं, जो कि यहाँ पर बैठने के लिए भी आए हैं और कुछ लोग यहाँ पर टाइम स्पेंड कर रहे हैं बुक्स पढ़ के। बहुत ही अच्छी प्लेस है यार, यहाँ पर आकर बहुत ही अच्छा लग रहा है। पहले तो मंदिर के दर्शन करे, बाबा जी का आशीर्वाद लिया और उसके बाद यहाँ पर हम बैठेंगे थोड़ी देर। और बहुत ही अच्छी सुकून वाली जगह है कि आपको रिवर के पास में बैठने का एक नया एक्सपीरियंस मिलेगा, और यहाँ पर थोड़ी देर बैठो, रिलैक्स करो, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पर आके। कैसा लग रहा है? मंदिर के दर्शन भी हो गए और साथ में और लोकेशन बहुत प्यारी है। एंट्री कितनी चार्जेस है? 50 रुपीज। तो जी अभी आए हुए थे नोरबुलिंगा इंस्टीट्यूट में, जो कि तिब्बत आर्ट एंड कल्चर को रिप्रेजेंट करने के लिए बनाया हुआ है। तो करीबन हमारे पास आधा घंटा पूरी ये जगह को एक्सप्लोर करने के लिए। और वैसे भी मैं पहले यहाँ पर आया हुआ हूँ, 2016 में मैं यहाँ पर फर्स्ट टाइम आया था, तो दोबारा आना बनता था क्योंकि बहुत अच्छा है। पीछे कुछ टाइम पहले यहाँ पर क्लोज़ किया हुआ था कोविड के कारण से, और यही रीज़न था कि ये बंद था, पर अब कहीं ना कहीं ये ओपन हो चुका है। तो यहाँ पर पूरा विजिट करते हैं और घूमते हैं और आपको भी घुमाते हैं। तो जी अगर आप नोरबुलिंगा इंस्टीट्यूट में आ रहे हो, तो इंस्टीट्यूट के बिल्कुल बाहर ही आपको यहाँ पे आपको रेस्टोरेंट मिल जाएंगे, कैफ़े मिल जाएंगे। दो तीन ही कैफ़े है, रेस्टोरेंट है या ढाबा है यहाँ पर, जहाँ पर आप कुछ ना कुछ खा सकते हो। लास्ट टाइम हम आए थे तो यहाँ पर हमने थुपका खाया था, जो कि बहुत ही टेस्टी था। बाकी यहाँ पे हैंडीक्राफ्ट से रिलेटेड आपको कोई भी आइटम चाहिए तो यहाँ पे आप परचेज भी कर सकते हो, शॉपिंग भी अवेलेबल है। बाकी ज़्यादा बड़ी मार्केट नहीं है, छोटी सी मार्केट है, जहाँ पर आप कुछ ना कुछ अब यहाँ पर आकर आप हैंडीक्राफ्ट आइटम या कुछ परचेज कर सकते हो। बाकी बहुत ही सुंदर यहाँ पर आपको दिखेंगे यहाँ पर हैंडीक्राफ्ट से रिलेटेड या तिब्बतन कल्चर से रिलेटेड जो भी हैंडीक्राफ्ट आइटम्स होती है वो यहाँ पे अवेलेबल है, जो कि आप यहाँ पे आके शॉपिंग कर सकते हो। बाकी अंदर भी फैसिलिटी अवेलेबल है, जो कि इंस्टीट्यूट के अंदर आप शॉपिंग कर सकते हो। मुझे वहाँ पे थोड़ा सा कॉस्टली लगा तो मैंने परचेज़ नहीं करा, तो बाकी अभी यहाँ से परचेज़ करेंगे, नहीं तो जहाँ पे मैं मैक्लोडगंज में रुका हुआ हूँ वहाँ से कुछ ना कुछ परचेज़ करेंगे और घर के लिए कुछ ना कुछ ले कर जाएंगे। और अभी चलते हैं जी आगे घूमने के लिए, और घूमते हैं अभी धर्मशाला को और आपको ज्वाइन करते हैं नेक्स्ट स्टॉप पर जाकर। झूले 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 झूले, नमस्ते जी। तो जी अभी मैं आया हुआ था कीतो मोनेस्ट्री में, जो कि धर्मशाला में है। पहले भी यहाँ पर आया हुआ हूँ, बहुत ही सुंदर मोनेस्ट्री है ये, और पीछे आपको बर्फ़ के पहाड़ दिखेंगे यहाँ पे मोनेस्ट्री के पीछे। बहुत ही सुंदर लोकेशन पे मोनेस्ट्री है, पीछे पूरे बर्फ़ के पहाड़ बड़े बड़े और धौलाधार रेंजेस पूरी यहाँ से दिखती हुई। झूले झूले, आपका क्या नाम है? जिनजिनबू। और आपका नाम? गुंडू माचू। ये कैमरा है, कैमरा। आप यहीं रहते हो? छोटे छोटे मॉन्क यही रहते हो आप? छोटे छोटे बहुत ये नहीं समझते हिंदी भाषा, ये नहीं समझते।
ये 5 साल का है। आप यहीं रहते हो? हाँ। कुछ बताओ मोनेस्ट्री के बारे में। मोनेस्ट्री तो अच्छा है, यहाँ पे पढ़ाई भी अच्छा होते, खाने पीने का जगह, खाना पीना भी अच्छा है और बैठने का जगह भी सब अच्छा है यहाँ पे। तो बस ज़्यादा बुरा नहीं है, यहाँ पे माँ बाप लोगों ने छोटा से भेज देते ना बच्चा को, वो ज़्यादा अच्छे नहीं लगते क्योंकि बच्चा छोटा टाइम तो वो लोग क्या बोलते पाल पोस्ट में समय होते ज़्यादा ही छोटा होते, तो ये लोग कुछ समझ में नहीं आते, तो कुछ समझ कर नहीं होते, इसीलिए क्या क्या कर लेते हैं। बाकी मोनेस्ट्री कितनी पुरानी है? ये बहुत साल पुरानी है। झूले आपका कितना टाइम हो गया आपको यहाँ पे? यहाँ पर 7वां साल चल रहा है। 7वां साल मोनेस्ट्री जाते हैं, यहाँ पे घूमने भी लोग आते हैं। तो जी ये बहुत ही सुंदर मोनेस्ट्री आप देख रहे हो, फिलहाल तो क्लोज हुई हुई है, पर यहाँ पे बहुत सारे घर बने हुए हैं जो कि यहाँ पे एजुकेशन लेने के लिए जो बच्चे यहाँ पर आते होंगे तो उनके घर होंगे यहाँ पे। तो बहुत ही बड़ी मोनेस्ट्री है और मोनेस्ट्री के साथ में बहुत ही ज़्यादा घर बने हुए हैं और बहुत ही सुंदर लग रहा है यहाँ पर, क्योंकि एक ही कलर है, येलो कलर के पूरे घर बने हुए हैं, पूरा अपार्टमेंट लग रही है। और यहाँ पर बच्चे पढ़ भी रहे हैं और साथ में यहाँ पर रुकते भी हैं, दूर दूर से आते हैं बच्चे पढ़ने के लिए। तो यहाँ पे बच्चे खेल भी रहे थे, फुटबॉल खेल रहे थे या कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ कर रहे थे यहाँ पे। तो मोनेस्ट्री फ़िलहाल क्लोज़ है, तो हम यहाँ पे इंजॉय कर रहे हैं और मोनेस्ट्री के बारे में लोगों से पूछ रहे हैं कि मोनेस्ट्री कितनी पुरानी मोनेस्ट्री है। और कई लोगों को हिंदी नहीं आती और उनको अब उनकी लैंग्वेज ही आती जो कि तिब्बतन लैंग्वेज होती है, तो वही आती है। तो हमें कुछ समझ नहीं आ रहा कि बात उनसे कन्वर्सेशन कैसे की जाए, कोई ना कोई तो मिलेगा जिससे बात करके हमें इस मोनेस्ट्री के बारे में नॉलेज मिलेगी कितनी पुरानी मोनेस्ट्री है और क्या टाइमिंग है ओपन की, क्योंकि इस टाइम क्लोज हुई हुई है। अगर आप आते हो तो दोपहर में बताना, आफ्टरनून में बताना। मोनेस्ट्री की एक्चुअली कुछ ना कुछ टाइमिंग है, तो बता रही है कि 3 बजे ओपन हो जाएगी, अभी करीबन 2:45 का टाइम है, 10-15 मिनट में मोनेस्ट्री ओपन हो जाएगी, तो अंदर जाकर देखेंगे। बाकी कोई ना कोई टाइमिंग होते हैं वो पूछने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप आते हो तो उस टाइमिंग के अकॉर्डिंग आओ, कहीं आप आ रहे हो और उस टाइम पर मोनेस्ट्री क्लोज ना मिले। तो मोनेस्ट्री अभी 15 मिनट में ऊपर होती है, तो चलते हैं जी अंदर मोनेस्ट्री में। तो दोस्तों करीबन 3:15 का टाइम हो चुका है, 3 बजे मैंने आपको बोला था कि 3 बजे ओपन हो जाएगी मोनेस्ट्री, टेंपल के अंदर चलेंगे, थोड़ी देर बैठेंगे और रिलैक्स करेंगे, वहाँ की वाइब्स अलग ही होगी टेंपल के अंदर की, और टेंपल अंदर से देखना भी है। पर कहीं ना कहीं अभी टेंपल ओपन नहीं हुआ, बाकी बहुत सारे यहाँ पे और भी लोग आए हुए थे जो कि वो भी वेट कर रहे थे कि टेंपल कब ओपन होएगा, तो वो भी अंदर जाएंगे, पर टेंपल अभी तक ओपन नहीं हुआ, तो कहीं ना कहीं वेट और करना पड़ेगा। पर हमारी उन्होंने जो मेरे साथ में दोस्त आए हुए हैं उन्होंने अभी जाना भी है, उनकी बस भी है 6 बजे तक की, तभी हमें आगे कहीं ना कहीं क्रिकेट स्टेडियम देखने के लिए जाना पड़ेगा और दूसरी जगह भी जाना है, तो अभी यहाँ से निकलेंगे। बाकी लोसर करके इनका कोई फेस्टिवल होता है जो कि मार्च में आता है, जो कि अभी पीछे ही निकला है, और ये बड़ी धूमधाम से वो लोसर फेस्टिवल मनाते हैं, इनका न्यू ईयर होता है एक्चुअली में वो, तो लोसर न्यू ईयर सेलिब्रेशन करते हैं उसमें, और इनका कल्चर देखने वाला होता है। तो अभी जो मैक्लोडगंज की मार्केट जो है वो भी अभी फ़िलहाल क्लोज थी, मंडे भी था, साथ में धर्मशाला की भी मार्केट क्लोज थी, और तभी आज धर्मशाला के लिए निकले थे कि जितने भी जगह है जहाँ पर हम विज़िट कर सकते तो उतनी हम जगह विज़िट कर ले और थोड़ा घूम कर आए। पर मार्केट कल देखेंगे कि मैक्लोडगंज की मार्केट घूमेंगे या धर्मशाला की भी मार्केट घूमेंगे, जितना हो पाएगा उतना कवर करेंगे। आगे चलते हैं जी क्रिकेट स्टेडियम देखने के लिए धर्मशाला का। बहुत ही सुंदर स्टेडियम है, यहाँ पे आना तो बनता ही है यार, पीछे धौलाधार रेंजेस को देख के दिल कर रहा है कि यहाँ पर बैठे रहो और क्रिकेट यहाँ पर बैठे रहो और पहाड़ों को देखते रहो। बाकी यहाँ पे मैच होएंगे तब पहाड़ देखेंगे या क्रिकेट का मैच देखेंगे वो पता नहीं, पर इन फ्यूचर कभी भी चांस मिलेगा तो बिल्कुल यहाँ पर मैच देखना बनता है। और वैसे ही वर्ल्ड का इंटरनेशनल की अगर बात करूँ तो वर्ल्ड का
हाईएस्ट क्रिकेट स्टेडियम है फ्रॉम फील्ड लेवल, तो यहाँ पे आना तो बनता ही है और यहाँ पे मैच देखना भी बनता ही है, बाकी यहाँ की खूबसूरती देखते ही बनती है। और यहाँ पर रुको और क्रिकेट का मैच देखो, अभी तो फिलहाल कोई भी क्रिकेट का मैच नहीं हो रहा, पर हाँ हम इंजॉय कर रहे हैं स्टेडियम को भी और जो पीछे पहाड़ है उसको भी बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं। बाकी ये मेरे दोस्त जो है ये आए हुए थे मेरे साथ देखने के लिए, तो आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस है, पहले आप नहीं आए हुए यहाँ पे? हाँ, ये मेरा तीसरा ग्राउंड है, मैं इससे पहले ईडन गार्डन में मैच देखा है, मोहाली में दो तीन मैच देखे हुए हैं, लेकिन ये उन दोनों से मुझे बेटर ग्राउंड लगा। और पहाड़ धर्मशाला मतलब ये वाला स्टेडियम में आप फर्स्ट टाइम आए? ये वाले स्टेडियम में फर्स्ट टाइम, कैसा लग रहा है? सही, मतलब विदाउट एनी डाउट फर्स्ट। अभी थोड़ी देर पहले मतलब ये वाला जो है ये विजिटर्स के लिए जगह अलाउड की हुई है कि विजिटर्स यहाँ पर आए, 30 रुपीज़ की एंट्री टिकट लेके हम अंदर आए हैं। और कुछ एरिया बस ये वाला एरिया ये जहाँ पर हम थोड़ी देर बैठ सकते हैं और यहाँ की सुंदरता को निहार सकते हैं आप कह सकते हो। और बहुत ही पीछे पहाड़ तो अच्छे लग ही रही है, स्टेडियम भी बहुत अच्छा है, पर ग्राउंड मेरे को बहुत ज़्यादा छोटा लगा, इससे पहले मैं कोई और ग्राउंड तो नहीं गया हुआ, पर हाँ बहुत छोटा ग्राउंड है ये, तो यहाँ पर मैच देखने का मज़ा भी आएगा, इंजॉय भी करेंगे कभी इन फ्यूचर आते हैं तो। होप करता हूँ दोस्तों कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ यार चैनल को सपोर्ट करना, वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना। मैं मिलूँगा ऐसी नई वीडियो के साथ, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, डू सब्सक्राइब टू रॉनी पाजीज चैनल, ग्रेट वीडियो, ऑनेस्ट रिव्यूज़। क्या बात है भाई ने कह दिया तो सब्सक्राइब कर लो, एक भाई और आ गया है। और भाई जाते जाते बाय कर देते हैं अपने सब्सक्राइबर्स को आज पूरा दिन, हमने भाई जरूर सब्सक्राइब करें, जरूर भाई सब्सक्राइब, भाई भी कह रहे हैं और मेहनत तो भाई देख भाइयों ने देख लिया। अब आपको पता नहीं कैसा लग रहा होगा कि मेहनत कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा, अगर आपको जेन्युइनली लगता है कि भाई मेहनत कर रहा हूँ, वीडियो सही बना रहा हूँ, थोड़ी बहुत कमियाँ हर इंसान में होती है, हर वीडियो में आएगी, वो भी दूर हो जाएगी धीरे धीरे, हम वीडियो को एडिटिंग में, अगर एडिटिंग में कहीं कमी आ रही है या वीडियो में कहीं कमी आ रही है या बोलने में कोई कमी है, धीरे धीरे वो भी ठीक होता जाएगा जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ेगा। आप अपने रिव्यूज लिख दिया करो कमेंट सेक्शन, कमेंट सेक्शन पहले तो मैं तेरे रिव्यूज का वेट करूंगा कि तू कब करता है। तो आज का दिन कैसे रहा? मस्त, ऑसम, बढ़िया रहा, इधर आके बोलना। आज का दिन कैसे रहा? 10 में से 10 दूंगा भाई की वीडियोग्राफी को। नहीं, आज का दिन कैसे रहा? दिन थोड़ा हेक्टिक हो गया था, एक दो मोनेस्ट्रीज गए थे, बंद पड़ा था, तो हम टाइम का थोड़ा मिसमैच हो गया, बाकी उसको लीविंग दैट असाइड बहुत अच्छा दिन गया। और आपका भाई? भाई मेरा तो दिन बहुत मस्त था, आई हैव एक्सपीरियंस अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट आई हैवंट एक्सपीरियंस, सो फॉर मी इट्स ऑसम। तो जी अब चलते हैं जी, वीडियो को यहीं एंड करते हैं और मिलते हैं आपको नई वीडियो के साथ, जब तक बाय बाय, टेक केयर, आदियोस, बाय बाय।